नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जो सबसे पहली 50 प्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत कितना है। तो सबसे पहले तो इसमें आया है एक प्राकृत संख्याएं। तो ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो जो प्राकृत संख्या है कहां तक निकाल ली है, प्रथम 50, तो 1, 2, 3 और ऐसे ही मिला के 50 तक, ये हमारी प्रथम प्राकृत संख्याएं हो गई। इनका हमें औसत निकालना है। अब औसत जब निकालते हैं तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग, यानी जो भी संख्या है उनका योग करना पड़ेगा और जो जितनी संख्या है उनका भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हमें 1 से 50 तक का पहले योग चाहिए। ठीक है, और कुल संख्या, तो कुल संख्या तो हमारे पास 50 है। अब प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं ये देखना है। प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, अब यहां पर हम n लेते हैं, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो n n+1/2 ये होता है फॉर्मूला। अब यहां n यानी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 50, यानी n बराबर क्या निकल के आया, 50। हम रख देंगे n की जगह, रख देंगे 50, यहां 50+1/2, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 25 दूना 50, तो यहां हो गया 25×51। ठीक है, यह हमारा निकल आया n प्राकृत संख्याओं का योग। और इसको हल कर देते हैं, 25 एकम 25, हाथ से लगी 2, 25×5=2, 127, यानी 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकल के कितना आया, 1275। अब हमें निकालना है औसत, औसत क्या हो जाएगा, कुल योग बटे कुल संख्या। योग निकल के क्या आया, 1275। संख्याएं कितनी हैं, 1 से 50 तक का हमें निकालना है, तो संख्या हमारी कितनी है, 50। ठीक है, संख्याएं 50 हैं, योग आया 1275, इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें 50 से डिवाइड करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 = 15, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 = 2, वो भाग आ जाएगा 100। अब 100 का भाग देना सिंपल है, यानी 0 से 0 कट जाएगा। अब 10 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25.5। यानी एक प्रथम जो 50 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, या 1 से लेके 50 तक के जो नंबर हैं उनका औसत निकल के क्या आया, 25.5। ठीक है, इसको हम दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रथम 50 की जगह हम n लिख लेते हैं, संख्याओं का औसत। ठीक है, इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, हमने क्या देखा था कि अभी n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, n n+1/2, योग कितना है, n n+1/2, ये हमारा योग है। और औसत निकालने के लिए हम n से ही भाग कर देंगे, क्योंकि n हमारी संख्या है, n से n कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n+1/2। यानी सीधा निकल आया कि अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो n+1/2 हमें कर देना है। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 50, तो 50+1/2, 50 और 1 होता है 51/2, 2 से काटेंगे, 25.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। सीधा प्रथम 50
संख्याओं का औसत कितना है, n प्लस 1 बाई 2, 50 हो 51 बटे 2 और 25.5 आंसर आ गया। दूसरा लॉन्ग मेथड से हमें लगाना है तो इस मेथड से हमको लगा देना है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो जो हमारा इसका फाउंडेशन है वो हमको आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।